करो बंद करो बंद करो अरे बंद करो बंद करो अरे बंद करो बंद करो। माननीय आरिफ नसीम खान माजी मंत्री व कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी यांच्या नेतृत्वाखाली मनपा एल वॉर्डच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। कांदिवली कलिना कुर्ला विधानसभा मधील रहिवासी देखील खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। वॉर्ड क्रमांक 156 चे माजी नगरसेवक श्री शरद पवार आणि माजी नगरसेविका श्रीमती सविता शरद पवार हे देखील उपस्थित होते। खूप मोठ्या संख्येने काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे देखील उपस्थित होते। की विविध समस्या को लेकर नाली की साफ सफाई, गटर की साफ सफाई, रास्ते का दुरुस्तीकरण, कचरे में उठाने के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार, लोगों को हो रही शॉर्ट पीने की पानी की सप्लाई, रास्ते में जगह जगह पे बरसात में खड्डे, भारी बारिश के बाद जिस तरह से बीमारी फैली हुई है, चाहे लेप्टो हो, डेंगू हो, वायरल हो, मलेरिया हो, ऐसे बहुत सारी समस्या को लेके जो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, शमशान भूमि कब्रिस्तान का रुका हुआ विकास हो, नेहरू नगर में जाने वाले, कसाईवाड़ा में जाने वाले कब्रिस्तान का जो रास्ता था उसको बंद करने का विषय हो, नीमिल रोड पर पानी की शॉर्ट सप्लाई का विषय हो, भारत कोल कंपाउंड में हजारों रोजगारों को बेरोजगार करने के लिए महानगर पालिका और बिल्डर का जो षड्यंत्र चल रहा है उसको रोकने की बात हो, फेरी वालों पर गैर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, हफ्ता वसूली हो रही है, उसके खिलाफ मुद्दा हो, और गली गटर लादीकरण, रास्ते साफ सफाई, लोगों को कचरा पेटी, बहुत सारे इशू को लेकर ऐसे सारे महानगर पालिका से संबंधित विषय, स्कूलों में बच्चों को सही तरह से शिक्षा नहीं मिल रही, उनको बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, उसके लिए वहाँ साफ सफाई नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, महानगर पालिका के स्कूल एकदम बदहाल पड़े हुए हैं, दवा खाने में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उसका विषय है। इस तरह से महानगर पालिका के बहुत सारे जो बुनियादी सहूलत, नागरिक सुविधा, जो आम नागरिक का अधिकार है, जन्म से अधिकार है, और सैकड़ों करोड़ रुपया हर साल इस एल वार्ड में विकास के लिए आता है, वो पैसे में हो रहा भ्रष्टाचार हो, उसकी विजिलेंस के जरिए जांच होनी चाहिए और ये सारे काम फिर से होने चाहिए। एक मेमोरेंडम, एक यादी हमने वार्ड ऑफिसर को दिया है, यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, और हमने मांग की है कि तुरंत एक विजिलेंस कमेटी बनाकर ये सारे काम वार्ड में 8 दिन में शुरू होने चाहिए, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 8 दिन के अंदर अलग अलग विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर और सभी काम को ताबड़तोड़ शुरू कराएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक विशाल मोर्चा जो जन आक्रोश मोर्चा के नाम से हम लोगों ने निकाला है, आज हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, और प्रशासकीय के अधिकारी वार्ड ऑफिसर को हम लोग मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने इंश्योर किया है कि आने वाले 8 दिन के अंदर इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका मध्ये फैलत असलेली रोगराई, सप्लाई होत नसलेला पाणी, पाणीची होत असलेली टंचाई, रास्ते गटर मेन रोड, पावसामध्ये जागोजागी झालेले खड्डे, अशी आणि मनपा शाळामध्ये अव्यवस्था, मनपा दवाखान्यामध्ये नसलेले डॉक्टर, मिळत नसलेली औषध, असे अनेक विषय, स्मशानभूमीच्या सौंदर्यीकरण, नागरिक सुविधा, असे अनेक विषय घेऊन, आणि विशेष म्हणून भारत कोल कंपाऊंडमध्ये जे अनेक पिढी दर पिढी व्यवसाय करतायत आणि 4000 पेक्षा जास्त कामगार तिथे स्थानीय कामगार आहेत, त्यांना बेघर बेरोजगार करण्याचा जो षड्यंत्र आहे बिल्डर आणि मनपाच्या अधिकाऱ्यांशी मिलीभगतमुळे, ह्या सगळे विषय घेऊन आम्ही आज हे मोर्चा काढलेला आहे, जनक्रोश मोर्चा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने, आणि त्याचं निवेदन महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय अधिकारी इंटू ब्रॅकेट वॉर्ड अधिकारी वॉर्ड ऑफिसर यांना आम्ही दिलेलं आहे, त्यांनी आम्ही आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही 8 दिवसांमध्ये
हेड वाइज अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आणि प्रत्येक काम ताबडतोड़ सुरू करूँ। आणि आमची मागणी आहे कि जो भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी विजिलन्स कमिटी स्थापित करावा आणि हे निधी नीट आणि व्यवस्थित नागरिक सुविधासाठी खर्च होवावा ते सुद्धा आम्ही मागणी केलेली आहे। जी मैं बहुत कोशिश कर आशा करती हूँ कि हम लोग ने जो आज मोर्चा निकाला है उसके ऊपर बीएमसी जरूर कार्रवाई करेगी और करना ही चाहिए। जी मेरे वार्ड में, मेरे सभी वार्ड में यही समस्या है कि यही कचरा नहीं उठाया जा रहा है, पानी की समस्या है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा खाया जा रहा है और लोगों की समस्या कोई इधर आके जो गरीब आके बोलते हैं कि बाबा मेरा ये काम करो लेकिन वो कोई सुनता नहीं अधिकारी जी, नहीं कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये मैं यहाँ 5 साल नगर से रहने के बावजूद सब देख चुकी हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि यहाँ कोई सुनाई नहीं देता है अपनी बात। मेरी बात नहीं सुनते तो आम जनता की बात क्या सुनेंगे। भाजी वाले को परेशान किया जाता है हर बार, एक बीएमसी बेचते रहते हैं, बार बार के उन लोग को सब परेशान करके रखा है और वो भी हमें हमें आके बात करते सब लोग, गरीब लोग है ना, जनता हमसे बात करती है। वही मतलब इसीलिए मतलब क्या है, जैसा अभी समझो भाजी वाले का औरत लोग को समस्या तुमने आपने पूछा ना, तो औरत का समस्या यही है ना कि सब भाजी वाले का भाजी उठा के पलटी मार देते हैं गरीब लोग, तो फिर वो कहाँ जाएंगी भाजी लाने के लिए, कुछ भी है। हाँ वो देखो तो एक चीज है, दूसरी बात क्या है बताओ मैं कि रस्ते में से जब हमारे तुंगा गाँव से जब आएंगे ना तो वहाँ से रास्ता मतलब वो जो मच्छी बिकाते हैं ना उनका पानी ना भरपूर पूरा गंदा पानी जाता है, हर कोई वहाँ से जाने के लिए पूरा कपड़ा ऊपर करके जाना पड़ता है, वो भी एक हमको मतलब उसका कुछ बना के दो। उधर भी मतलब बीएमसी वाले देखना चाहिए, मार्केट रहेगी पर पानी वाले बीच में डालते हैं ना, वो पानी मत डालो ना, देने है ना, ऐसा है। तो ये एक चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है, हमारे इधर पे मतलब पानी नहीं आता है, पानी हम लोग को मतलब फुल पानी नीचे दिए ऊपर पानी नहीं दे रहे, ऊपर पानी बोलेंगे तो क्या करते हैं, एक एक मतलब ना एक ही नल, मतलब नल कैसा है, एक नल है और दो नल मतलब है उसमें, तो दो नल के अंदर 35 रूम है, आप बताइए कैसा पानी भरेंगे, वो भी एक तकलीफ है। जब बोला गया मच्छी वाले को, माजी नगर सेवक ने सविता शरद पवार इन्होंने नल दिया हुआ था, तो मच्छी मार्केट वाले कहना कि हम साफ सफाई रखेंगे, लेकिन विरोधकों ने उस नल को दूसरे दिन 2 घंटे के अंदर काट दिया, जो इनका काम किया उसे कटवा दिया उन्होंने और वो गंदगी फैलने दी, क्योंकि गंदगी रहनी चाहिए 156 में, ये इनका स्थानीय लोग का नगर सेवक का काम है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅनसोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।